हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं MI 10 ग्लोबल बीटा रूम 9.3.21 अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अपडेट आ गई है, तो मैं आपको डिवाइस में दिखा देता हूं। मेरी डिवाइस है Redmi 4। तो गाइस, इसमें ये अपडेट आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अपने फ़ोन को डिवाइस को अपडेट कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं अब आपको दिखा देता हूँ व्हाट्स न्यू में क्या मिला है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है ओवरलैपिंग आइटम इन द नोटिफिकेशन सेट। तो गाइस, कुछ नोटिफिकेशन सेड में जो है कुछ आइटम ओवरलैप हो रहे थे, तो क्या इनको फिक्स कर दिया गया है। और आ गया है रेसेंट्स में, रेसेंट आर क्लियर फास्टर नाउ। तो हम रेसेंट्स को क्लियर करते हैं तो वो काफ़ी फास्ट हो रहा है। तो क्या ये दो वर्ड्स न्यू में आपको चेंज देखने को मिले हैं। और क्या जब बात करें तो इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ना तो आपको नॉकआउट वर्जन देखने को मिला, ना ही एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल नया देखने को मिला है। जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मेरी डिवाइस है Redmi 4, इसमें तो अभी कोई एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल में नया कुछ देखने को नहीं मिला है। और अब मैं दिखा देता हूँ चेंज लॉक के बारे में। तो चेंज लॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले नोट बता देता हूँ मैं। यहाँ पर इन सारी डिवाइसेस को आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, इन सारी डिवाइसेस को जो अपडेट मिल गई है। और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके अपने फ़ोन को अपग्रेड कर सकते हैं। और आ गया नंबर 2 पर अपडेट 9.3.21 फॉर Redmi Note 4 क्वालकॉम और Redmi Note 4X मीडो Redmi 5 Plus। इट डिलेड ड्यू टू सिस्टम एरर्स। तो गाइस, इन डिवाइसेस को ये जो अपडेट है वो डिले कर दी गई है कुछ सिस्टम एरर्स की वजह से। तो गाइस, ये कई बार अपडेट से प्रॉब्लम आ रही है, इन डिवाइसेस को मिली ही नहीं है बहुत दिन से। और अगर नंबर 3 पर जो नोट दिया गया है वो है अपडेट 9.3.21 फॉर Redmi S2 Redmi Note 5 Pro। इट डिलेड ड्यू टू टेस्टिंग ऑफ Android Pie। तो गाइस, इन डिवाइसेस के लिए Android Pie के लिए टेस्टिंग चल रही है, तो इस वजह से इन डिवाइसेस को इस अपडेट में को डिले किया जा रहा है। और गाइस, आ गया नंबर 4 पर अपडेट 9.3.21 फॉर Redmi 5 MI 9। इट डिलेड ड्यू टू एरर्स। तो गाइस, कुछ सिस्टम एरर्स की वजह से इन डिवाइसेस को भी ये अपडेट नहीं मिली है। और अब दिखा देता हूँ इसके चेंज लॉक की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी चेंज लॉक आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जिसमें पहला जो चेंज लॉक किया गया है वो है ओवरलैपिंग आइटम इन दी नोटिफिकेशन सेट। तो गाइस, कुछ नोटिफिकेशन थी जो नोटिफिकेशन सेट में जो है ओवरलैप हो रही थी। तो गाइस, इस अपडेट में इस बग को फिक्स किया गया है। और गाइस, आ गया है नंबर 2 पे एरर्स ऑकवर्ड आफ्टर अनलॉकिंग डिवाइस इन लैंडस्केप मोड MI 9 MI 8 Pro। तो गाइस, हो क्या रहा है, जब हम डिवाइस को लैंडस्केप मोड में अनलॉक करते हैं तो उसमें कुछ एरर आ रहा है इन दो डिवाइसेस में, MI 9 में और MI 8 Pro में। और गाइस, आ गया नंबर 3 पर एन ऑप्शन फॉर स्मूथनिंग नॉच कर्व्स ऑन फुल स्क्रीन डिवाइसेस MI 9 और Redmi Note 7। तो गाइस, ये डिवाइसेस है जिसमें नॉच है, तो इसमें एक ऑप्शन घट गया है। वो काम क्या करता था, जो आपकी नॉच थी उसको स्मूथनिंग करता था। तो गाइस, ये ऑप्शन कम हो गया है इसमें से। और गाइस, नंबर 4 पर है फेस अनलॉक प्रॉम्प्ट डिडंट डिसअपेयर ऑन टाइम्स इन सम एरर्स। तो गाइस, फेस अनलॉक करते समय जो फेस अनलॉक डिवाइस थी, जो उसमें एक ऊपर प्रॉम्प्ट आता रहता था स्माइल सी। तो गाइस, कुछ डिवाइसेस में क्या हो रहा है कि वो डिसअपेयर नहीं हो पा रहा है। तो गाइस, अपडेट में इस बग को भी फिक्स किया गया है। और नंबर 5 पर है ए मेजर अपग्रेड फॉर दी टूल बॉक्स इन गेम टर्बो। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि गेम है जो टर्बो है, इसमें आपको दो चेंजेस देखने को मिले हैं। पहला तो है इंक्लूडिंग ऑटो प्ले और दूसरा है स्विचिंग बिटवीन डाटा सिम कार्ड। तो इसमें दो अपग्रेड मिले हैं आपको, नए ऑप्शन जो Redmi Note 5 और Redmi Note 7 के लिए हैं। और गाइस, नंबर 6 पर है क्लियरिंग रेसेंट्स LED टू एरर्स। तो गाइस, जब रेसेंट्स को क्लियर करते थे तो गाइस इसमें कुछ एरर आ रहा है, जो इस अपडेट में इस बग को फिक्स किया गया है। और नंबर 7 पर है रेसेंट्स आर क्लियर फास्टर नाउ। तो मैंने आपको पहले बता दिया, जब रेसेंट्स को क्लियर कर रहे हैं तो वो काफ़ी फास्ट हो रही है इस अपडेट में। और गाइस, आ गया GPS आइकन इन दी स्टेटस बार। तो गाइस, पहले अपडेट में क्या था कि जब GPS आइकन को ऑन करते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो नोटिफिकेशन सेट में इसका आइकन शो होता रहता था। लेकिन गाइस, जब इस अपडेट में इस आइकन को हाइड कर दिया गया है। और गाइस, आ गया बैटरी रिलेटेड फ्लोटिंग नोटिफिकेशन वेरिएंट डिस्प्लेड करेक्ट इन लैंडस्केप मोड। तो गाइस, लैंडस्केप मोड में क्या हो रहा है, जब बैटरी रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आती थी तो वो करेक्टली शो नहीं हो पा रही हैं। तो गाइस, इस अपडेट में इस बग को फिक्स किया गया है। और गाइस, आ गए परमानेंट नोटिफिकेशन आइकन्स फॉर एम्प्टी स्पॉट्स इन दी स्टेटस बार MI 9 और Redmi Note 7। तो गाइस, इन डिवाइसेस में क्या हो रहा है, जो कुछ परमानेंट नोटिफिकेशन थी जो स्टेटस बार में शो होती रहती थी। तो गाइस, पहले क्या था, जो उनका जो एम्प्टी स्पॉट दिखते थे उनके, जो गाइस इस अपडेट में इस बग को फिक्स किया गया है। और गाइस, आ गया कुडंट मेक्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग व्हेन द नॉच वाज हिडन इन दी सम केसेस MI 8 Pro MI 8 Lite। तो गाइस, हो क्या रहा था, जो नॉच वाले डिवाइसेज थे उसमें नॉच को हाइड कर देते थे और उसके बाद में रिकॉर्डिंग कर देते थे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाती थी, जो इस अपडेट में बग को फिक्स किया गया है। तो गाइस, और यही बस बग थे जो मैंने आपको बता दिए। तो गाइस, आज यही कुछ बताना था मेरे को आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। थैंक यू।